नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम भूपेश की खरी खरी, बोले भाजपा को केवल वोट के लिए याद आते हैं राम, जमीन खिसकी तो बौखला गए। विवादों में घिरे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में भारत माँ की तस्वीर जमीन पर, कांग्रेस ने कहा बेशर्म तो सिंह ने डिलीट किया ट्वीट। रमन सिंह को काले झंडे दिखाएगा एनएसयूआई, कहा बीजेपी का राष्ट्रवाद फर्जी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के शहरों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाने को लेकर भाजपा के कमेंट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदुत्व की राजनीति पर खरी खरी सुनाई है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को भगवान राम में कोई आस्था नहीं है, उनको राम की याद केवल वोट के लिए आती है। यहाँ राम, कृष्ण और शिव संस्कृति और परंपरा में रचे बसे हुए हैं, उनकी पूजा भाजपा वालों ने नहीं सिखाई है। ये लोग यहाँ इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि शहरों में एक एकड़ जमीन पर कृष्ण कुंज विकसित किया जाए, इसमें सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के पौधे लगाने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री का कहना था इसमें पौधरोपण की शुरुआत आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से हो जाए। उसके बाद भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि 2023 के चुनाव में हार सामने देखकर कांग्रेस को भगवान रामकृष्ण याद आने लगे हैं, वह हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आई है। एक एकड़ जमीन में ये सारी चीज हम लगा दें, एक एकड़ दो एकड़ जमीन जहाँ जितना खाली जाएगा और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, इनको तकलीफ क्या है? और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय ये लोग, इन लोगों को याद नहीं आता। ये जब अयोध्या वाला मामला भी आप देखेंगे तो 1925 से बना है, तो 1975 तक के 80 तक वो क्या कर रहे थे? तब उनको राम की याद नहीं आई, वो तो देखा कि इससे वोट मिल सकता है इसलिए वो कूदे वहां। नहीं तो वो तो 1957 से चल रहा केस, अयोध्या मंदिर का केस तो आजादी से पहले चल रहा था, ये तब तो चुप थे। आज इनकी जमीन खिसक गई है और ये कभी संतोष पद बताएंगे, संतोष पांडे जी बताएंगे कि राम वन गमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाए? 15 साल की सरकार रही, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, संस्कृति में हमारे राम बसे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विवादों में घिर गए हैं। सारा बखेड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर की वजह से खड़ा हुआ है। इस वायरल तस्वीर में डॉक्टर रमन सिंह एक पंडाल में खड़े होकर सभा को संबोधित कर रहे हैं और उनके पास ही एक तस्वीर जमीन पर पड़ी है। फोटो फ्रेम में भारत माँ की फोटो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माने जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं की तस्वीर भी लगी हुई है। यह तस्वीर डॉक्टर रमन सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी, इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ट्रोल हो गए। कांग्रेस के नेताओं ने इस तस्वीर को पकड़कर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट का सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया। कांग्रेस ने अपने पोस्ट पर डॉक्टर रमन सिंह को माफी मांगने के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि यह भारत माता का अपमान है। विवाद बढ़ता देख डॉक्टर रमन सिंह ने अपना ट्वीट किया फोटो और बाद में ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इस मामले में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर रमन सिंह को बेशर्म तक बता दिया। ये तस्वीर राजनांदगांव के घुमका मंडल के टेढ़सरा की है, यहां आयोजित भाजपा संगठन के कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भारत माता की तस्वीर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने रमन सिंह के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई ने कहा कि जब तक भाजपा और पूर्व सीएम अपने कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते तब तक प्रदेश भर में एनएसयूआई डॉक्टर रमन सिंह के हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाती रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा जिस प्रकार राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान भारत माता की तस्वीर को जमीन पर रखकर उनका अपमान किया गया उसका प्रदेश एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है। एनएसयूआई यह मांग करती है कि डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं करने पर आने वाले समय में रमन सिंह को पूरे प्रदेश में काले झंडे दिखाकर एनएसयूआई उनका विरोध करेगी। हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए देश भर में विरोध शुरू हो गया है। अब आम आदमी पार्टी ने कोल ब्लॉक आवंटन व जंगलों की कटाई के विरोध में 13 मई को अंबिकापुर में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश भर के लोग एकत्रित होंगे। इस दौरान सभा और रैली कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
आपकी प्रदेश प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि इसमें पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रदेश भर के लोगों को शामिल होकर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान करने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों से भेजे गए जिला निर्वाचन अधिकारियों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई तथा पीसीसी चीफ की मौजूदगी में राजीव भवन में बैठक आयोजित की गई। दलवई ने सभी डीआरओ से कहा कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और वहां की सदस्यता सूची चेक कर बूथ कमेटियों तक पहुंचें और बीआरओ गठन की प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा वे सभी लोगों से मुलाकात कर फीडबैक लें। जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए जितने भी दावेदार हैं या किसी एक नाम पर सभी नेताओं की आम राय है तो इसकी रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार द्वारा कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में कोयला खदानों को खोलने का आदेश जारी करने व टेंडर प्रक्रिया जारी करने को लेकर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ चिरमिरी महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल व विधायक विनय जायसवाल ने पूर्व में नई खदानों को खोलने के लिए प्रदर्शन करने के साथ केंद्र सरकार से कई बार पत्राचार किया था। चिरमिरी क्षेत्र में दो नई कोयला खदान खोलने के लिए प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री व चिरमिरी महाप्रबंधक का आभार व्यक्त किया। और आपने देखा होगा कि जमीन अधिग्रहण की स्थिति में नवीन खदानों का आ चुका था और पुनः जो माइंस बंद थे उस पर चालू होने की प्रक्रिया चालू हुई। इस दिशा में हमने कई बार ज्ञापन दिया ACCL को, CMD को, GM को, माननीय कोयला मंत्री जी को, और अंततः हमने पिछले दिनों एक बड़ा धरना प्रदर्शन और GM कार्यालय का हमने घेराव किया। और आप देखेंगे कि उस घेराव में एक हमने संकेत और एक ऊपर एक सूचना देने का काम किया था और उस विषय में हमारे माननीय कोयला मंत्री जी को हमने पत्राचार किया, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की और माननीय कोयला मंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए चिरमिरी की दो बंद पड़े माइंस, एक अंजन हिल माइंस और बरतुंगा अंडरग्राउंड दोनों को खोलने का और ग्लोबल टेंडर भी, ऐसा नहीं कि केवल खोलने का लीपापोती हुआ हो, ग्लोबल टेंडर उन्होंने कल जारी कर दिया है 5 तारीख को। उसके लिए आज हमने धन्यवाद देने यहाँ GM कार्यालय में आए थे और GM के माध्यम से CMD कार्यालय को, माननीय डायरेक्टर ACCL को, माननीय कोयला मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने आभार व्यक्त किया है। तो ये दो माइंस खुली है, दो माइंस निकट भविष्य में बहुत जल्दी खुलने वाली है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए भी चर्चा हो गई है। जिससे कि एक जो हम पुराने चिमिल को देखते थे उसको हम कुछ दिनों में देखेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। साथियों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, श्रेय लेने की राजनीति नहीं करता हूँ, निश्चित रूप से सभी को बधाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।